नहीं है क्या? अब इनकी झोपड़ी में जाकर झुकने के लिए बोल रही हैं? अच्छा पढ़ाती हैं आप, उसी पर ध्यान दीजिए, जाइए। मैं तो कहूंगा कि बड़ों के स्कूल ही बंद करवा दीजिए। अरे अरे इमली, कहाँ जा रही है तू? पुलिस कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये बुढ़िया ही काफी है। सरपंच के घर में चोरी करने की जरूरत? पुलिस और कानून तक का खौफ नहीं है? नहीं छोड़ेंगे। जब आप शहर जा रहे थे तो पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया होता। कोई नए लोग घर आए थे क्या? किसी पर शक हो तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं। उस चूहे मारने वाले आदिवासी ने कहा था हम शहर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसी की हाय लगी और सब बर्बाद हो गया। कौन था वो, हम उससे पूछताछ कर लेंगे। कौन? मलाई के पास जो बस्ती है ना, वहीं के लोग। नाम याद है? क्या नाम है उसका? राजा कर्ण साहब। राजा कर्ण हवलदार जी साहब। अच्छा साहब, जब एडवांस लिया था तब बोला कि 6 महीने काम करेगा। 2 दिन में आ जाऊंगा मालिक। आके 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी घर जाना चाहता है। अगर बाल बच्चे के बिना रह नहीं सकते तो काम पे क्यों आया? जाके काम कर, कल तक 10,000 ईंटों का ऑर्डर पूरा करना है। मिल जाएगा, सब्र रखिए ना, हम ढूंढ रहे हैं उसे। मगर कब है? चोरी के सारे गहने बिक जाने के बाद ढूंढोगे और उसके बाद तुम उसे जेल में ठूस दोगे? मैं खुश हो जाऊंगा है? अरे जाओ, ये कहानी पुरानी है, तुम्हारे भरोसे रहा ना तो मेरा जनाजा निकल जाएगा। मैं एसपी से मिलता हूँ, सरपंच की ताकत क्या होती है तब पता चलेगा तुम्हें। इसे उठा के पूछ। सुनो, उधर चेक करो। ठीक है साहब। तुम वहाँ जाओ। ठीक है सर। ए, उठ, तेरा मर्द कहाँ है? बाहर गए हैं किसी काम से सर। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? अब कौन सा गांव लूटने गया है? क्या कह रहे? लगता है तू तो थाने में ही अपना मुंह खोलेगी, चल। इतनी रात गए साहब, सुबह आ जाऊंगी तब सवाल कर लेना। अरे बड़ी मिस वर्ल्ड, सुबह सवाल करना बोल रहे, चल चुपचाप, चल निकल, चल चलना। चल, अबे बता ना बका, बता, मुझे मत मारो साहब। तू इसका मामा है ना, बता का। चल अंदर चल, चर्बी चढ़िया ना तेरे को। साहब वो बेचारी पेट से है। तो पेड़े बांटू, तेरा मुंह मीठा कराऊं? चल अपना काम कर।